नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है, कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, ये है रीडिंग की टॉपिक। यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर वन है एप्पल एंड ऑप्शन नंबर टू है पोमोग्रेनेट। ओके, एक तरफ है सेब और दूसरी तरफ है अनार। एप्पल एंड पोमोग्रेनेट, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। वन एंड टू। हाय, ऑप्शन नंबर वन। तो चलिए देखते हैं कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है जिनके साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टेक्ट जोन है, ऐसा कोई शख्स, ठीक है। तो आप लोगों ने चूज़ किया है एप्पल। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज़ किया है, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, री एंट्री चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओके, एक तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, क्योंकि सबका सिनेरियो सेम नहीं है। और एक चीज़, ज़रूरी नहीं कि खाली एक ही इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड मुझे सुनाई दिया है वो है नार्सिसिस्टिक, एक ऐसा इंसान जो नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज रखते हैं। अब नार्सिसिस्टिक क्या है, जो ऐसा इंसान, सिंपली अगर मैं बोलूँ, जो बहुत ही टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, जो बात बात पर झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, शक करते हैं, डाउट करते हैं बहुत ज़्यादा, कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, जो चाहते हैं कि आप उन्हीं के मुताबिक सब कुछ करें। ओके, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। बात बात पर आपका मजाक उड़ाना हो गया हो, दूसरों के सामने आपका इंसल्ट करना हो गया हो, आप पे शक करना हो गया हो, या फिर दूसरों के सामने अगर ना भी करें तो भी डायरेक्ट आपके सामने ही आपका मजाक उड़ाना हो गया हो, इस तरह की हरकतें करते हैं जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। और बहुत से नार्सिसिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो मारपीट भी करते हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड मुझे सुनाई दिया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान है। और हाँ, ऐसे लोग गॉसिप्स बहुत करते हैं। ओह माय गॉड, मेरे गले में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। डेफिनेटली इस इंसान के साथ आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। ये कोई भी शख्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई आपका लवर ही हो, क्योंकि ये पर्टिकुलरली लव रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई शख्स जो आपके लाइफ में एक नार्सिसिस्टिक का भूमिका निभा रहे थे, ऐसा कोई शख्स आपके लाइफ में रिटर्न होना चाहते हैं, वो वापस आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपसे एनर्जी मिलता है। खैर, क्यों आना चाहते हैं उसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी, आज मैं फ़िलहाल बना रही हूँ कि कौन आना चाहते हैं आपके लाइफ में वापस। ओके, क्यों आना चाहते हैं उसके ऊपर मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगी। बट यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है कि एक कोई नार्सिसिस्टिक इंसान है जिनके साथ आपका पास्ट उतना अच्छा नहीं गया है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में फ़िलहाल आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मुझे एक और पर्टिकुलर इंसान दिख रहा है। नेक्स्ट जो इंसान मुझे दिख रहे हैं ये बहुत ही ऑपोजिट है। ओके, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ऑपोजिट हैं। दूसरा जो इंसान मुझे दिख रहे हैं वो ऐसे इंसान हैं जो काइंड हार्टेड है और प्योर हार्टेड है। ओके, बहुत ही काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड इंसान है। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान भी आपके लाइफ में आना चाहते हैं। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट है। दूसरा जो इंसान है इमोशनल है, दिल का साफ इंसान है। और एक मैसेज मुझे मिल रहा है जैसे कि डोमिनेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, शांत मिजाज के हैं, शांत मिजाज के दूसरा इंसान, ठीक है। तो दो तरीके के लोग आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। ये नार्सिसिस्टिक इंसान कोई भी हो सकता है। ओके, आपका चाहे वो पार्टनर हो या कोई और, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज़ किया है, उनके लाइफ में कौन सा इंसान वापस आना चाहते हैं, रीएंट्री करना चाहते हैं। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रीएंट्री करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। इनका लाइफ, मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इनका लाइफ इस वक्त काफ़ी सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है। इनकी लाइफ में इस वक्त वो सुकून नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान। ओके, दो कार्ड यहाँ पर जंप आउट हुआ है, एस ऑफ वॉन्स, दूसरा है टू ऑफ कप्स। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वेट वन मिनट, सॉरी, बीच में कट करना पड़ गया था।
थोड़ा लाइटिंग इशू हो रहा था, लाइट ऑन नहीं था एक्चुअल में. ओके तो कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा. कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं. ओह ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ और लाइट ऑन नहीं था. एट ऑफ पेंटिकल्स, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है. जैसे कि मैंने बोला ये कोई ऐसा इंसान है, पहला जो नार्सिसिस्टिक मैंने बोला, तो जो डार्क एनर्जीज कैरी करते हैं, जो नार्सिसिस्टिक्स होते हैं वो डार्क एनर्जीज कैरी करते हैं. ओके ये भी एक लिंक था कि मेरा लाइट ऑफ था. ओके मैं लाइट ऑन करना भूल गई थी. ओके और दूसरा मैसेज जो मैंने कहा था कि जो दूसरा इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं उस इंसान के लाइफ में इस वक्त सूखा पड़ा है. ठीक है वो खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, ड्राइनेस है बहुत ज़्यादा. और ये भी लिंक इसके साथ मतलब कनेक्ट करता है जो लाइट ऑफ था. तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ लिंक होता है. ओके तो लाइट ऑफ के पीछे ये भी दो रीजंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है. कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रिटर्न होना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए. थैंक यू. री एंट्री चाहते हैं. कौन है वो शख्स? थैंक यू. ये इंसान अपनी डार्कनेस में बहुत ज़्यादा लाइक घुस गए हैं पूरी तरह से. यहाँ पर है मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल. सी मैं बोल रही थी ना डार्कनेस डार्कनेस डार्कनेस. ओके डेविल यहाँ पर डार्कनेस दोनों ही शख्स का मुझे दिख रहा है. ओके जो इंसान मैंने बोला था कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव नहीं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये मैंने बताया था राइट. लेकिन दोनों का लाइफ का सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसा है. जैसे कि जो नार्सिसिस्टिक इंसान है उनकी स्वभाव ही डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा जो इंसान है जो सॉफ्ट हार्टेड है उनका स्वभाव डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनके लाइफ में जो इस वक्त सिचुएशंस है वो कहीं ना कहीं डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब डार्क डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ है मीन्स उनके लाइफ में एक ड्राइनेस है, खुशी नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो पीसफुल एनर्जी नहीं है उनके लाइफ में करंट टाइम फ्रेम पर. ओके या और कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों को ये ऐसा लगता है कि वो दोनों अगर आपके लाइफ में वापस आते हैं तो उनके लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं. जो नार्सिसिस्टिक होते हैं वो हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढते फिरते हैं जिनको वो डोमिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके, यू नो ये तो है ही. और दूसरा जो इंसान है जो अच्छे हैं, जिनका स्वभाव काफ़ी अच्छा है, उनके लाइफ में ड्राइनेस है, एक किस्म का गम है, कहीं ना कहीं वो इंसान आपके अंदर अपना खुशी ढूंढते हैं, दूसरा इंसान. तो पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा इंसान है ऐसा कोई इंसान है जिनके साथ जो आपके लिए मे बी लव से रिलेटेड फीलिंग्स रखता है, लव फीलिंग्स ऐसा है, इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ फीलिंग्स है. और जो नार्सिसिस्टिक ट्रिट का जो पर्टिकुलर इंसान मुझे मिल रहा है, नार्सिसिस्टिक क्वालिटी रखने वाला इंसान, उस पर्टिकुलर इंसान को कहीं ना कहीं आपके साथ कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, मुझे ऐसा वाइब्स आना है. लेट्स सी कौन है वो शख्स जो नार्सिसिस्टिक क्वालिटी है जिस पर्टिकुलर इंसान के साथ, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है. ठीक है ये पर्टिकुलर इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव है, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव है थोड़ा बहुत. ओके ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपने गुस्से में आकर आपको कई बार हर्ट कर चुके हैं. ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान है, वो ऐसा कुछ बोल देते हैं बुरा भला या फिर कुछ ऐसा एक्शन उठाते हैं लाइक सडनली आपको ब्लॉक कर देंगे. ओके और आप यहाँ तड़पते रहोगे कि मुझे ब्लॉक कर दिया, कब अनब्लॉक करेंगे समथिंग इस तरह के से. उसके बाद वो इंसान कभी आपको अनब्लॉक ही ना करे, फिर बहुत टाइम बाद अनब्लॉक करे, इस टाइप से झूठ बोलना. इस ये पर्टिकुलर इंसान ने आपसे झूठ भी बोला है कई बार, ठीक है, और अपने झूठ को कभी भी ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ऐसा एक शख्स, साथ ही साथ इस शख्स को इमोशन से कोई मतलब नहीं है. ये इंसान अगर किसी के साथ कनेक्शन बनाते भी हैं तो इनको इमोशंस नहीं, उनको फिजिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है सामने वाले इंसान का. कि सामने वाला इंसान अगर फिजिकली अट्रैक्टिव है तो डेफिनेटली ये इंसान उनके तरफ अट्रैक्टेड होंगे, अदरवाइज नहीं. और बहुत जल्द ही बोर हो जाते हैं ऐसा इंसान. ओके ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. मीन्स मान लीजिए अगर उनको आपकी ब्यूटी काफ़ी अच्छा लगा, वो आपके साथ कनेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट करके आपको अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ कनेक्शन में तो आ जाएंगे, लेकिन साल दो साल में ही ये इंसान बोर हो जाएंगे. कुछ लोगों का तो मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान साल दो साल तक भी नहीं टिकेंगे, 3 to 4 months में ही ये इंसान बोर हो जाएंगे. कुछ ऐसा क्वालिटीज़ है इस इंसान के अंदर. और इनका प्यार करने का जो अंदाज़ है वो भी बहुत डार्कनेस के साथ जुड़ा हुआ है.
आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये वो इंसान हैं जो शादी से पहले ही फिज़िकल कनेक्शन बनाना पसंद करेंगे और शादी का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा कोई इंसान, ठीक है, इस टाइप का इंसान। और दूसरा जो मुझे इंसान दिख रहा है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान जो इस वक्त सिंगल है और वो अपने करियर में बिज़ी है, साथ ही साथ बहुत ही ऐसे इंसान हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले इंसान हैं। जो नर्सिस्टिक है वो भी हार्डवर्क करता है बाय द वे, ओके, तो दोनों ही हार्डवर्क काफ़ी करते हैं। जो सेकंड पर्सन मैं अभी बता रही हूँ क्या, काफ़ी हार्डवर्क करने वाले इंसान हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, गोल ओरिएंटेड इंसान है, अपने गोल पर फोकस्ड है, साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना पसंद करते हैं। करंटली कुछ ऐसा सिनेरियो है कि उनकी नज़र आपकी तरफ, आपकी नज़र कहीं और, या फिर यूँ कहें कि आपकी नज़र इनकी तरफ है ही नहीं, शायद आपको पता भी नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ऐसा कोई शख्स। इनके लिए प्यार, मोहब्बत, इमोशंस मैटर करता है, पहले बहुत ज़्यादा मैटर करता था, जो कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, तो पहले इनकी इमोशंस बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुका है और करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान उतना ज़्यादा इमोशंस में बह नहीं जाता है, ओके, इतना ज़्यादा अभी ये इंसान इमोशंस में नहीं बहता है। कहीं ना कहीं ये इंसान अभी बैलेंस करना सीख गए हैं कि प्यार मोहब्बत एक तरफ और करियर एक तरफ, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना भी नहीं है इस टाइप का कोई इंसान, ठीक है। ज़रूरी नहीं ये कोई आपका लवर ही हो सकता है आपका लवर भी हो, क्योंकि यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स का वाइब्स भी मुझे आ रहा है, जैसे कि ये इंसान आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान, या इन्होंने प्यार मोहब्बत में धोखे भी खाए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आप ही से खाए हों, किसी और से भी खाया हुआ हो सकता है धोखा, इन्होंने प्यार मोहब्बत में काफ़ी धोखा भी खाया है एंड दर्द बहुत मिला है इनको, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे भी प्यार करते हैं ना, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, तो हो सकता है अब तक आपको कन्फेस नहीं किया है, और अगर शायद किया भी होगा तो शायद आपने या तो एक्सेप्ट नहीं किया या फिर रेसिप्रोकेट नहीं किया, मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स आ रहा है, जैसे आप दोनों की पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, कुछ हद तक डिफरेंट हो सकता है आप दोनों की सोच। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द सेंस स्पिरिट गाइस, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, एक और मुझे मैसेज आ रहा है, ये दोनों ही शख्स आपको लेकर फैंटेसाइज डेफिनेटली करते हैं, फ़र्क बस इतना है जो फर्स्ट वाला इंसान है वो खाली फैंटेसाइज करता है, फीलिंग्स इमोशनल दिल के साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा फीलिंग्स नहीं है, खाली शरीर के साथ जुड़ा हुआ फीलिंग्स है, लेकिन दूसरा जो शख्स है वो भले ही आपको फैंटेसाइज करता है, लेकिन दूसरा शख्स आपको इमोशनली बहुत पसंद करता है, लाइक दिल से आपको पसंद करता है। आह ग्रेट, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन वन के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। सॉलिट्यूड, राइट, एंड वन मोर, एप्पल। ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस एप्पल, यहाँ पर भी एप्पल है, सी, वाओ, थैंक यू सो मच। आह घोस्ट, मैंने बोला था ना कि ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, समथिंग घोस्ट, बॉटम ऑफ द डेक जो बोल रही थी मैं वही आया है, आपके सामने ही कार्ड्स निकालें तो आप समझ सकते हैं दो इंसान हैं। यहाँ पर भी फुल कन्फर्मेशन मिल गया है कि दो ही इंसान हैं जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, दोनों ही आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, नो डाउट। मैंने बोला था ना, एक इंसान इस वक्त पूरी तरह से सिंगल है, जिन्होंने लाइफ में प्यार मोहब्बत में धोखा बहुत खाए हैं, और वो इस वक्त सॉलिट्यूड में है, इस वक्त उनके लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है, वो अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, किसी के साथ वो ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे हैं, अकेले अपने तरफ उनका ध्यान है, आपकी तरफ भी ध्यान है नो डाउट, लेकिन फिलहाल वो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने पास उन्स को हील करने में बिजी है। ये दूसरा शख्स है, जो दूसरा वाला मैंने बताया था ना, ये वो वाला शख्स है, ठीक है ना। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी नर्सिस्टिक टाइप के हैं, स्पेशली कुछ फीमेल्स हैं, इनके घर का ही मेंबर हो सकता है, और ये पर्टिकुलर इंसान जो दूसरा शख्स है उन पर्टिकुलर लोगों को इग्नोर कर रहे हैं जो इनके आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं और नेगेटिव एनर्जीज छोड़ते हैं, तो ये कहने की उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि मुझे शांति से अकेले रहने दो, सॉलिट्यूड में रहने दो, ओके, मुझे अपने पास के उन्स को हील करना है, ओके। बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है बाय द वे, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, दिल भले ही टूट जाए लेकिन ये इंसान अपने आत्मसम्मान के लिए कभी झुकेंगे नहीं, इनके लिए इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंसान, ठीक है। और जो फर्स्ट इंसान जो मैंने बोला था जो नर्सिस्टिक है, उनका कुछ ऐसा है कि खाली मुझे रूल ब्रेक करना है,
ओके रूल ब्रेक करना है मुझे, चाहे वो कैसा भी रूल हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उन्हें बेसिकली अगेंस्ट जाना अच्छा लगता है। ओके मैक्सिमम चीज़ें ये इंसान फॉलो नहीं करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें मीन्स वो जहाँ पर रहते हैं सोसाइटी से रिलेटेड बहुत कुछ रूल्स ब्रेक करेंगे। सोसाइटी के कुछ रूल्स अच्छे भी होते हैं, सारे रूल्स अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ रूल्स अच्छे भी होते हैं। लेकिन इनका जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, ये कुछ ऐसे शख्स हैं, इस टाइप के इंसान हैं जो कोई भी रूल फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है डोमिनेट करना, कंट्रोल करना। तो ये किसी भी किस्म की ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, ट्रेडिशन को तो बिल्कुल फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। दिखावे के लिए अगर थोड़ा सा वो कर भी लेंगे तो भी ये दिल से कभी किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये इंसान डिवाइन के साथ काफ़ी हद तक डिस्टेंस में है, डिवाइन के साथ इनका वैसा कनेक्शन नहीं है, वो डिवाइन के साथ उनका वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है जो फर्स्ट वन है, ठीक है। और ये दोनों ही इंसान आपको लेकर फैंटेसाइज करते हैं, फ़र्क बस इतना है कि ऑप्शन वन सॉरी फर्स्ट इंसान जो है उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और सेकेंड इंसान जो है वो दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके ऑप्शन नंबर वन। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट मैं इसी टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँ, जैसे कि क्यों आना चाहते हैं वो वापस आपके लाइफ में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी, अगर हो पाता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। ओके बाय। हाय ऑप्शन नंबर टू, अगर आप लोगों ने पोमोग्रेनेट को चूज़ किया है, अनार को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे सुनाई दे रहा है मिसिंग पीस, मिसिंग पीस। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनका मिसिंग पार्ट हो। ओके कि आपके बगैर कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनको प्लैनेट्स बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में जानना, गैलेक्सी से रिलेटेड बातें इनको बहुत अच्छा लगता है, गैलेक्सी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें इनको बहुत पसंद है, ठीक है। अब ये इंसान क्यों आना चाहता है उससे रिलेटेड वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है, कि ये इंसान आपके लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। बट फिलहाल मैं देखूंगी कि कौन है वो शख्स जो वापस आना चाहता है आपके लाइफ में। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में जानना, उनकी खूबसूरती को लाइक देखना, फील करना, ये उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस पर्टिकुलर इंसान की सोच यूँ कहें कि बुरा बात मानिएगा, लेकिन आप जिस लेवल में सोचते हैं ये इंसान आपसे ज़्यादा हायर लेवल का सोचते हैं। ओके ये मैसेज मुझे आ रहा है, आप जिस लेवल का सोच रखते हैं ये इंसान आपसे कई गुना हाई लेवल का सोच रखते हैं, लेकिन ये इंसान शो नहीं करते ये सब बातें। इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, विजडम बहुत ज़्यादा है, ओके बहुत ज़्यादा एंशियंट विजडम मुझे सुनाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उनकी ब्लड लाइन में ये चीज़ है, डीएनए में ये है उनका एंशियंट विजडम जो वो कैरी करके आए हैं इस लाइफ टाइम पर। कहीं ना कहीं ये इंसान खुद भी उतना नहीं जानते हैं अपने बारे में जितना कि मुझे अभी पता चल रहा है इनके बारे में, ये इंसान कहीं ना कहीं खुद भी नहीं जानते अपने बारे में इतने अच्छे से, लेकिन हाँ इनके पास नॉलेज विजडम बहुत ज़्यादा है, और वो हर किसी के साथ ये सब बातें बोलते नहीं हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने बोला इनकी सोच आपके सोच के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, तो ऐसे में क्या होता है बहुत से लोग बातों को समझ ही नहीं पाते हैं, सर के ऊपर से उठ जाता है वो बोलते ना कि एक कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया, वैसा होता है। कुछ किताबें जिस तरह से होते हैं जो बहुत ही उसमें कुछ बहुत टफ़ वर्ड्स यूज़ किया जाता है, और उसका जो टॉपिक होता है वो बहुत ही इंटेंस होता है, हाई लेवल का होता है, हर इंसान समझ नहीं पाता है, राइट। बिल्कुल ये इंसान भी वैसा ही है। इस इंसान के थॉट्स को विजडम कह लीजिए, या इनकी जो भी सोच है, धारणाएं हैं, विचार है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता है, इसलिए ये इंसान ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, और सबके साथ अपनी आइडियाज़ शेयर नहीं करते हैं, सबके साथ अपनी बातें सोच शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे तो कोई समझते ही नहीं है, तो बोल के क्या फ़ायदा, लोग इग्नोर करेंगे, इससे बेहतर है कि क्वाइट चुप रहे। ओके
मेडिटेशन मुझे सुनाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान मेडिटेशन भी करते हैं। सबके लिए नहीं है ये मैसेज, क्योंकि हर कोई मेडिटेशन नहीं करता है, बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज। पानी बहुत पीते हैं ये इंसान, गला इनका बहुत सूखता है, पानी बहुत पीते हैं ये इंसान। बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, आर्टिस्टिक नेचर का मुझे दिख रहा है, आर्टिस्टिक वे में कुछ भी प्रेजेंट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ काम इनको बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज में इनका आर्ट्स स्ट्रीम था, मैं वो नहीं बता रही, लेकिन आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ कोई भी काम इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कैरी करते हैं ये इंसान, सीक्रेटिव है, माइंड रीड करना भी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई माइंड रीड करना नहीं जानते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये इंसान माइंड रीड करना भी जानते हैं, साथ ही साथ फिजिक्स इनका काफ़ी स्ट्रांग है। ज़रूरी नहीं कि वो जिम जाएँ, बॉडी बिल्डिंग ही करें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका फिजिक्स स्ट्रांग है, हेल्थी स्ट्रांग है, मीन्स इनकी बोन जो है वो स्ट्रांग है, मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है मैसेज। ओके कौन है वो शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, थैंक यू। क्यों आना चाहते हैं इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊँ। और मेरी वीडियोज़ हर दो दिन बाद आता है, ओके, दो दिन का गैप्स होता है मेरी वीडियोज़ में। प्लीज़ मुझे बताइए कौन है शख्स जो ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कॉन्फिडेंट इंसान है, इनका चाइल्डिश टाइप के नेचर है, लाइक सबके सामने नहीं, कुछ लोगों के सामने इनकी चाइल्डिश नेचर बाहर आता है, ओके। यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ओके जस्टिस, वेरी नाइस, थैंक यू। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में जो इंसान वापस आना चाहते हैं, कौन है ये शख्स, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। इनके अंदर मतलब एक मस्तीखोर टाइप का इंसान भी है, लेकिन ये बात ये हर किसी के सामने अपना ये क्वालिटी शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो भी चाइल्डिश नेचर है ये हर किसी के सामने शो नहीं करते हैं। जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, खाली उनके सामने ही वो शो करते हैं। टू ऑफ कप्स, तो कुछ लोग यहाँ ऑप्शन वन से भी आए हैं। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, ढूंढते रहते हैं सोशल मीडिया पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सन ऑफ वॉन्स, ओके। मुझे सुनाई दे रहा है जगलिंग कर रहे हैं ये इंसान, हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पर किसी सिचुएशन को लेकर जगलिंग कर रहे हो, ओके। तो ये जो भी इंसान है इनके अंदर चाइल्डिश नेचर तो है ही, साथ ही साथ इनका चाइल्डहुड थोड़ा ट्रॉमा के साथ, लाइक ट्रॉमाटाइज है, इनका चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं गया है, ऐसा कोई इंसान है। आई डोंट नो आपको इस पर्टिकुलर इंसान ने बताया है या नहीं, लेकिन इस इंसान का बचपन उतना अच्छा नहीं गया, बचपन की डार्क एनर्जीज अभी भी है जो वो कैरी कर रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं फुल्ली, रिलीज़ कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पास्ट मेमोरीज हैं बचपन से रिलेटेड जो अभी भी इनको हॉन्ट करता है, पेरेंट्स से रिलेटेड, इनके पेरेंट्स के साथ इनका उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, स्पेशली बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं था, और इनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है, टॉक्सिक पेरेंट्स। हाईली एजुकेटेड इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लॉ फील्ड के साथ जुड़े हुए काम भी कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है उन्होंने एल एल बी किया हो। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ऐसे इंसान हैं जो बिजनेस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है, या प्रोफेशन के बारे में आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। अदरवाइज इनकी कुछ ऐसा है, ये इंसान और आप दोनों अपोजिट हैं, आई डोंट नो मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताया था कि नहीं, लेकिन अभी मुझे ये मैसेज आना है कि ये इंसान और आप टोटली अपोजिट है, लाइक ब्लैक एंड वाइट कपल। मैंने एक चीज़ बोला था कि वो आपको एक मिसिंग पीस की तरह मानते हैं, मिसिंग पीस, राइट, ओके, एक पीस के बगैर दूसरा पीस अधूरा है, और ब्लैक एंड वाइट इन एंड यंग का एनर्जी है, ओके, इन के बगैर यांग, यांग के बगैर इन, इनकम्प्लीट है, और इन एंड यांग जो सिंबल है वो भी ब्लैक एंड वाइट ही है, और यहाँ पर भी देखिए ब्लैक एंड वाइट कपल है, ओके। तो डेफिनेटली
इनके साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स बहुत कम है, अगेन मैं बता रही हूँ, ठीक है, बहुत कम होते हैं ट्विन फ्लेम्स, पर जो भी है इनके साथ आपका सोल टू सोल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं और सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, अगर ब्लॉक्ड भी हैं तो किसी और के ज़रिए आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना पसंद करते हैं ये इंसान। फीलिंग्स बहुत है आपको लेकर, इमोशंस बहुत है, स्पेशली इनको बारिश बहुत पसंद है, रेन, बारिश इनको बहुत पसंद है, हैवी रेनफॉल भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है, और जब जब बारिश होता है तब तब ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपकी जो पुरानी बातें हैं, जो अच्छी बातें आप दोनों ने एक साथ किए थे, वो बातें ये इंसान मिस करते हैं या बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ऐसा कोई इंसान फिलहाल जगलिंग डेफिनेटली कर रहे हैं, इनके पास चॉइसेस है, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान चॉइसेस के साथ जगलिंग कर रहे हैं कि किसे चूज़ करें, आपको या किसी और को, लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है इनका इरादा आपको चूज़ करने का ही है, दैट्स व्हाई वो आपके लाइफ में रिटर्न होना चाहते हैं। और दूसरा जो मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान जगलिंग कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर में, करियर इनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है, इनका फाइनेंसेस उतना अच्छा नहीं जा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसे कम पड़ रहे हैं, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से इनको मिलता नहीं है। ओके, आपको और मुझे लग सकता है कि इनके पास अच्छा खासा तो पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी ज़रूरतें थोड़ा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पैसे इनके पास कम हैं। हाईली पैशनेट इंसान है, अपने पैशन को फॉलो करना पसंद करते हैं, और ये इंसान आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी ये इंसान लाइक बोथ साइड से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपको लेकर इनका जो भी डिज़ायर्स है उसे वो कंट्रोल करते हैं ताकि आपको पता ना चले, वो जितना हो सके हाइड करने की कोशिश करते हैं अपने डिज़ायर्स को। और करंट टाइम फ्रेम पर जो मुझे दिख रहा है, इन डिज़ायर्स को हाइड करते करते, अपने इन फीलिंग्स को हाइड करते करते, कहीं ना कहीं ये इंसान खुद इस वक्त काफ़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हीलिंग, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन टू के व्यूअर्स के लाइफ में वापस आना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। पीकॉक, नाइस, ओके। तो ये जो भी इंसान है इनकी इस वक्त हीलिंग चल रही है। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मेरा हाथ लग गया था फोन कैमरा स्टैंड पर, सॉरी। ओके, इनका इस वक्त हीलिंग चल रहा है, कुछ फैमिली ट्रॉमास हैं वो हील किया जा रहा है, स्पेशली मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है इनके लिए एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं, एंसेस्ट्रल कर्स जिसको हम बोलते हैं ना, पितृदोष, वो है इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, उसका हीलिंग इस वक्त चल रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं पितृदोष होने की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन जब भी होता है ना, तब बहुत से बाधाएं आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल को लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो, उसमें बाधाएं बहुत आता है, और इनके लाइफ में वो चीज़ है, एंसेस्ट्रल कर्स है इनके ऊपर फुल श्योर। 20% लोगों का नहीं हो सकता है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर 80% लोगों का वाइब्स आ रहा है कि आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको जो लगता है कि ये वही इंसान है, उनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है, और इसके वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ आगे नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। और फाइनेंशियल तो है ही इशू, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो एक आप दोनों का एनर्जी कुछ ऐसा है, पुश एंड पुल टाइप का एनर्जी है कनेक्शन, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है, पुश एंड पुल टाइप का। जैसे कि ये इंसान जितना ज़्यादा आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी तरफ आ जाए, आने सॉरी खिंचाव महसूस करेंगे, या खिंचाव महसूस करेंगे। और एक चीज़, इस इंसान का ईगो इशू है। ओके, अपने ईगो के चलते हुए भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, बता नहीं रहे हैं आपको, या क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बता दूंगा या बता दूंगी तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि मैं झुक गया या मैं झुक गई उसके सामने। इस वक्त ये इंसान कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। ओके, और इनका एनर्जी और आपका एनर्जी इस वक्त अलाइनमेंट में नहीं है, ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस अब तक आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आना चाह रहे हैं। ओके, क्यों आना चाहते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। ओके, तब तक
कनेक्टेड रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।